हेलो स्टैंडर्ड वन के बच्चों, देखो बुक देखो, पेज नंबर ट्वेंटी टू, बड़ा ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने दो लाइन में लिखने के लिए बोली थी, अभी जोड़ बनाकर कुछ दिखाती हूँ। तुम देखो, सब लिखने के लिए तो तुम लोगों को समय नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ जोड़ बनाकर दिखाती हूँ। देखो, खुशबू खुशबू, ख में उ की मात्रा, श ब में उ की मात्रा, खुशबू। तो यहाँ पर जोड़ बनाने से कैसे बनाएंगे, देखो, ख प्लस उ की मात्रा, फिर स प्लस ब प्लस उ की मात्रा। ख में प्लस उ की मात्रा खू हुआ, श हुआ, ब में उ की मात्रा बू हुआ, खुशबू। ऐसे बुलबुल, ब में उ की मात्रा बू, ल में उ की ल, ब में उ की मात्रा बू, ल, बुलबुल। ग में गुजरात, ग में उ की मात्रा गु, देखो ग प्लस उ की मात्रा ज प्लस ज प्लस र में आ की मात्रा, गुजरात है ना, र प्लस आ की मात्रा प्लस त, गुजरात। कानपुर, क में क प्लस आ की मात्रा प्लस न कान, प्लस प प्लस उ की मात्रा पू प्लस र, कानपुर। सकुशल, स प्लस क प्लस उ की मात्रा, क में उ की मात्रा लगा हुआ है, स कु प्लस स प्लस ल, सकुशल। फुलबारी, फुलबारी, फ में उ की मात्रा फू, फ प्लस उ की मात्रा फू प्लस ल प्लस ब प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस ई की मात्रा। फुलबारी, फ फ में उ की मात्रा ल फुल, ब में आ की मात्रा बा, र में की मात्रा री, फुलबारी। ऐसे तुम जोड़ बनाओगे। लुधियाना, चार अक्षर वाला शब्द है ये सब, चार अक्षर वाला शब्द को जोड़ बनाना। हाँ, लुधियाना, ल प्लस उ की मात्रा प्लस, देखो ध में ई की मात्रा लगाया ना, छोटी की मात्रा, तो ल प्लस उ की मात्रा प्लस ध जो है ई की मात्रा लगाए, तो पहले ई की मात्रा होगा, छोटी की मात्रा होगा, प्लस ध प्लस य प्लस आ की मा प्लस आ की मात्रा, लुधियाना। सकुशल, स प्लस क प्लस उ की मात्रा प्लस स प्लस ल, सकुशल। गुड़िया, ग में उ की मात्रा गु, गुड़िया, देखो ग में उ की मात्रा, ड में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, गुड़िया हुआ। तो ऐसे जोड़ बनाने से कैसे लिखेंगे, देखो, ग प्लस उ की मात्रा प्लस छोटी की मात्रा प्लस ड, यहाँ पर ड में ई की मात्रा लगा ना, गुड़िया हुआ, गुड़िया, तो ई की मात्रा पहले होगा प्लस डी ड प्लस य प्लस आ की मात्रा। अगर हम यहाँ पर बड़ी की मात्रा देंगे, जरूर देते, तो यहाँ पर क्या होता, ड प्लस बड़ी की मात्रा होता, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा है, इसीलिए पहले छोटी की मात्रा होगा। अक्षर के पहले छोटी की मात्रा लगता है, अक्षर के बाद में बड़ी की मात्रा लगता है। पुजारी, प प प्लस उ पू हुआ, प्लस ज प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस ई की मात्रा, पुजारी। देखो ये ई की मात्रा कैसे बाद में हुआ है ना, अगर छोटी ई की मात्रा होता तो पहले होता, र के पहले ई की मात्रा होता, लेकिन यहाँ पर र में बड़ी की मात्रा है, इसीलिए पुजारी बाद में री की मात्रा लगा। दुलारी, यहाँ भी देखो छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, द प्लस उ की मात्रा दू हुआ, प्लस ल प्लस आ की मात्रा ला हुआ, प्लस र प्लस बड़ी ई की मात्रा, दुलारी। दुलारी हो गया, तुम लोग को देख रहे हो ना, ये सब लिखना है, चार अक्षर वाला और तीन अक्षर वाला कुछ लिखना। तो यहाँ पर जो है देखो, हमारा बुक में अब 23 पेज नंबर है, तो यहाँ पर जो छोटा छोटा सेंटेंस दिया है इसको भी लिखना है बेटा। एक साधु था, एक साधु था, साधु मीठी बात कहता था, साधु मीठी बात कहता था, साधु की एक कुटिया थी,
बोल बोल के पढ़ पढ़ के लिखना। एक दिन वह साधु गुजरात गया। कहाँ गया? गुजरात गया। उसका कुटिया था, मतलब छोटा सा झोपड़ी था। तो एक दिन साधु गुजरात गया। वह गुजराती भाषा ना जानता था, गुजराती बोलना नहीं आता था उसको। गुजराती भाषा मतलब बोलना, तो गुजराती बोलना उसको नहीं आता था। बहुत चुप रहता था हर समय, इसीलिए चुप होके रहता था। वह एक बुढ़िया थी, तो यहाँ पर एक बुढ़िया भी थी। तो बुढ़िया की लड़की का नाम कुसुम था। बुढ़िया जो थी उसका एक लड़की थी, उसका नाम कुसुम था। कुसुम बुढ़िया की दुलारी थी। कुसुम बुढ़िया की दुलारी थी। तुम कैसे अपने पापा मम्मी का प्यारा होते हो ना, उसी तरह प्यार करते हैं तुम्हें, इसीलिए कुसुम को बुढ़िया बहुत प्यार करती थी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कुसुम बुढ़िया की दुलारी थी, मतलब प्यारी थी। बुढ़िया की कमर झुक गई थी। झुक जाना, आधा बेंड हो जाना। तो बुढ़िया ज़्यादा एज उम्र हो जाने के कारण उसका कमर बेंड हो गया था, झुक गया था। कुसुम की सखी यमुना जामुन खाती थी। तो कुसुम की एक सखी थी, सखी मतलब सहेली। जैसे लड़कियों का दोस्त होता है, इसी तरह लड़कियों का सखी होते हैं, सहेली होते हैं। तो कुसुम की एक सखी यमुना जामुन खाती थी। उसका सखी का नाम है यमुना, और यमुना क्या करती थी, जामुन खाती थी। काला काला जामुन होता है कि नहीं, मीठा मीठा, वो जामुन खाती थी। एक दिन कुसुम गा रही थी। एक दिन बैठ के कुसुम कहीं पर गा रही थी। क्या गा रही थी? गाना गा रही थी। तो बात तो नहीं कर रही थी, स्टोरी नहीं कह रही थी, गाना गा रही थी। तो यमुना गुनगुना रही थी। उसके साथ बैठकर उसकी सहेली यमुना भी गुनगुना रही थी, मतलब धीरे धीरे गा रही थी। ये जोर से गा रही थी तो ये धीरे धीरे गा रही थी। कुसुम गीत गाती गिर पड़ी। तो कुसुम क्या हुआ, गाना गाती थी, गाना गाते गाते वो गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया। घुटना मतलब क्या होता है जानते हो? उड़िया में क्या बोलते हैं उसको? आंठू, आंठू, आंठू जानी चाहते हो? पैर में जो घुटना होता है, वो गिर जाने से क्या हुआ, तो उसकी चमड़ा थोड़ा छिल गया। चमड़ा बाहरी पड़ला, टिके टिके ब्लड बहला, एक थोड़ा थोड़ा सा खून भी निकल आया। चमड़ा छिल जाने से क्या होता है, खून निकलेगा ही। तो वो गाना गाते गाते गिर पड़ी थी और उसका घुटना छिल गया था। वो चुपचाप चली गई और कुछ गाना गाना वाना गाया नहीं, वो चुपचाप वहाँ से चली गई, गिर गई और चली गई। हो गया, उसको देख देख के कॉपी पर लिखना सब, हाँ, बोल बोल के। देखो अब तुम्हें क्वेश्चन आंसर मैं बता रही हूँ, प्रश्नोत्तर बता रही हूँ। देखो, नीचे दिए गए शब्दों को खाली स्थान में लिखो। ये ऑप्शन वर्ड दिया गया है, धनुष, कुली, साबुन, गुड़िया, सुपारी। हो गया, ये ऑप्शन वर्ड को लगाकर हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे। डैश के सामान, कौ में देखो, डैश सामान ला रहा था। सामान कौन लाता था? कुली। देखो, कुली सामान ला रहा था, लिखोगे तुम कुली सामान ला रहा था। ख में देखो, ख में क्या है, शरीर पर डैश लगाकर नहाओ। तो यहाँ पर देखो, शरीर साबुन है यहाँ पर, देखो ऑप्शन वर्ड में। तो यहाँ पर लिखोगे शरीर पर साबुन लगाकर नहा, क्या हुआ देखो, क में हो गया तुम्हारा कुली, कुली सामान ला रहा था। ख में हो गया शरीर पर डैश लगाकर नहाओ। नहाते समय हम साबुन तेल वगैरह लगाते हैं ना, तो यहाँ पर तेल तो नहीं है ऑप्शन वर्ड में, साबुन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शरीर पर साबुन लगाकर नहाओ। ग, ग में है गीता की डैश गिर गई। यहाँ पर क्या गिर गई होगा, यह तो कुली हो गया। ख में साबुन हो गया। अब बचा धनुष, गुड़िया, सुपारी, तीन बचा है। तो यहाँ पर क्या होगा, गीता की डैश गिर पड़ी। गीता की गुड़िया, वो पकड़ी हुई थी छोटी सी गुड़िया, वो गुड़िया उसका गिर पड़ी थी। खिलौना गुड़िया देखे हो ना, हाँ, गीता की गुड़िया गिर पड़ी। यहाँ पर देखो घ, यह राम का डैश था। अब कौन सा बच्चा, धनुष और सुपारी। तो यहाँ पर लिखेंगे यह राम का डैश था, सुपारी, राम का सुपारी था क्या? नहीं, राम धनुष बाण
पकड़े हुए रहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लिखोगे यह वह राम का धनुष था। धनुष पुजारी वो में देखो, पुजारी डेस खा रहा था, अब तो कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, अब बचा है सुपारी। पुजारी सुपारी खा रहा था, हो गया, पुजारी सुपारी खा रहा था। यहाँ पर देखो नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ जो है पहले ये शब्द पहले लिख लेना। देखो सुनार, जामुन, कुसुम, मथुरा, मथुरा, बुलबुल, कानपुर, ये जो है लिखने के बाद तुम क्या लिखोगे, सुना, ये जो बड़ा उ की मात्रा है ना, ये बड़ा उ की मात्रा गलत है, यहाँ पर छोटा उ की मात्रा होगा। देखा सुनार, जामुनु, जामुनु तो नहीं होता है, जामुन, जामुन होता है, जामुनु नहीं होता है, ज में आ की मात्रा, म में छोटा उ की मात्रा, न, जामुन। कुसुम क में, देखो यहाँ पर तुम्हारा बुक में है, क में बड़ा उ की मात्रा, सो में छोटा उ की मात्रा, म, कुसुम, लेकिन ये गलत है, तुम उसको ठीक करके लिखोगे, सही करके लिखोगे, क में छोटा उ की मात्रा, सो में छोटा उ की मात्रा, म, दोनों में छोटा उ की मात्रा लगे, ये बड़ा उ की मात्रा कट जाएगा, यहाँ पर छोटा उ की मात्रा लगेगा। कुसुम, मथुरा, मथुरा तो नहीं होता है, मथुरा बोलते हैं, तो यहाँ पर मथुरा जो है ये गलत है, यहाँ पर लिखोगे म, थ में उ की मात्रा, ये जो उ की मात्रा है थ में लगेगा, थू, र में आ की मात्रा, रा, मथुरा। बुलबुल, बुलबुल तो नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा छोड़ा है, यहाँ पर एक तो छोटा उ की मात्रा, ब में छोटा उ की मात्रा, ल, बुल है, तो ये बल नहीं होके यहाँ भी बुल बुल होगा, बुल, छोटा उ की मात्रा, ब में, ल, बुल बुल, बुल बुल। कानपुर, कानपुर नहीं होता है, यहाँ पर कानपुर लिखेंगे हमें, क में आ की मात्रा, न, प में उ की मात्रा, र, कानपुर, कानपुर नहीं होगा, यहाँ पर होगा कानपुर, हो गया। उसके बाद देखो गुलाब, जो गुलाब है बड़ा उ की मात्रा नहीं होता है, यहाँ पर ग में छोटा उ की मात्रा होता है, तो तुम लोग को इधर लिखोगे छोटा उ की मात्रा, ग में, ल में आ की मात्रा, ब, गुलाब। यहाँ पर है क्या, घटूना, घटूना तो नहीं होगा, उसका घटूना छिल गया था क्या, घुटना छिल गया था, तो यहाँ पर घटूना जो है घटूना की जगह पर होगा घ में उ की मात्रा, ये जो उ की मात्रा ट में लगा है ये घ में लगेगा, घुटना, 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 हो गया। अब तुम चुन चुन के वहाँ से अगर छोटा उ की मात्रा लगा कर कुछ शब्द लिखना है तो मैं देखो पुल, सुन, गुम, मधु, रघु, पशु, साबुन, जामुन, कानपुर, गुनगुना, पढ़ो, इसको देख देख कर लिखना।